नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में पीएम मोदी समेत दोनों सदनों के पार्टी सांसद शामिल होंगे। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं इससे पहले 14 दिसंबर को भी पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई थी। जानकारी के अनुसार ये बैठकें मिशन 2024 के लिए रणनीति तैयार करने के लिए की जा रही हैं। दरअसल अगले एक साल में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और त्रिपुरा सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके चलते भाजपा संसदीय दल की बैठक में चुनावी राज्यों के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए विवादित बयान से एक बार फिर सियासत गरमाती दिखाई दे रही है। दरअसल अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। यह राजनीति बदला लेने के लिए प्रायोजित करेगी। अपने इस बयान के साथ उन्होंने संकेत दिया कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब कांग्रेस नेता के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर कहा कि सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आपको और सोनिया गांधी जी को अपने मायावादी गुंडों के लिए एक नया स्पीच राइटर लाने की जरूरत है। 9 नवंबर को भारत के नए चीफ जस्टिस का पदभार संभालने के बाद से अब तक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 6,844 मामलों का निपटारा कर दिया है। बता दें 9 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच 5,898 नए मामले दर्ज किए गए, जिनके मुकाबले निपटाए गए केसों की संख्या ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 29 वर्किंग डेज में निपटाए गए कुल 6,844 मामलों में से 2,511 मामले जमानत और ट्रांसफर याचिकाओं से संबंधित थे, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक विवाद के मामले शामिल थे। भारत दौरे पर पहुंचे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को यहां आयोजित गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत को एक बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि गूगल 100 से अधिक भारतीय भाषाओं के लिए एक इंटरनेट सर्च मॉडल विकसित कर रही है और यहां की महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप कंपनियों को $7.5 करोड़ की मदद दी जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ विधायक केएस ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा कि जब तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता तब तक वह विधानसभा सत्र में भाग नहीं लेंगे। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में शिवमोगा से विधायक ईश्वरप्पा ने उरूपी के एक होटल में बेलगावी के एक ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और साथ ही ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत को लेकर ईश्वरप्पा के खिलाफ ठेकेदार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और ईश्वरप्पा को इस मामले में प्रथम आरोपी बनाया गया था। वहीं अब इस मामले को लेकर ईश्वरप्पा ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी मंत्री पद से वंचित रखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह बेलगावी जाएंगे जहां विधानमंडल सत्र चल रहा है, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। घाटी में आतंकियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के बावजूद शोपियां जिले के जैनपुरा के मंझमार्ग एरिया में एक बार फिर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया और फिलहाल आतंकियों की पहचान की जा रही है। साथ ही बता दें कि 1 RR, 178 CRPF और बाकियों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को हुई हिंसा को देखते हुए आज मंगलवार को यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा परिसर को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी में अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं, लेकिन आज मंगलवार को यहां क्लर्की और दूसरे काम भी नहीं होंगे। बता दें यह जानकारी यूनिवर्सिटी की PRO डॉक्टर जया कपूर द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई है। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को छात्रों द्वारा एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के साथ मारपीट करने की वजह से हिंसा भड़क गई। परेशानी तब शुरू हुई जब सिक्योरिटी गार्ड द्वारा एक छात्र नेता को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। स्टूडेंट का कहना है कि वह कैंपस के अंदर बैंक जा रहे थे, जिसके चलते हाथापाई हुई और पथराव शुरू हो गया और हंगामा बढ़ने पर वहां अतिरिक्त पुलिस को बुलाया गया।
सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प के बाद आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की और दो बाइकों में आग लगा दी। दमकल कर्मियों ने इन वाहनों में लगी आग को बुझाया। इस भगदड़ में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें कि यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र पिछले 101 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीते दिन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की फीस बढ़ोतरी को लेकर पुलिस से झड़प हुई थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में अफरा तफरी मच गई थी और उस समय आंदोलन कर रहे छात्रों ने भू समाधि लेने का ऐलान किया था। इसके बाद भू समाधि लेने की कोशिश करते छात्रों को पुलिस द्वारा जबरन हटाना शुरू कर दिया गया था। कतर में रविवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में फ्रांस की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी और बैलन डी'ओर पुरस्कार जीत चुके करीम बेंजेमा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। बेंजेमा ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए संकेत दिया कि वे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने अपने 35वें जन्मदिन पर फ्रांस की शर्ट में अपनी एक फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि मैं आज जहां हूं वहां पहुंचने के लिए मैंने प्रयास किया और गलतियां की और मुझे इस पर गर्व है। मैंने अपनी कहानी लिख ली है और हमारी कहानी खत्म हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com पर।